काल हर दुख हर दारिद्र हर 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 महा हाँ तो गाइस कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक और ट्रेंडिंग वीडियो में। तो जैसा कि आपने रिव्यू में महादेव का स्टेटस वीडियो देखा ही, अगर आप भी इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये वाली वीडियो की एडिटिंग सिखा दूंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना होगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिगर मत जाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल डालता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये वाली वीडियो बनाने के लिए आपको कैपकट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। कैपकट का प्रो वर्जन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पिन कर रखा है और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप सिंपली यहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कैपकट को ओपन करने से पहले आपको इसे कोई भी वीपीएन से कनेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए मैं इसे वीपीएन से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको कैपकट ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप कैपकट को ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे यहाँ पर साइड में टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको टेम्पलेट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर सर्च बार में महादेव ट्रेंडिंग टेम्पलेट सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने फर्स्ट वाली जो रील आ रही है इस पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप इस वाली रील पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली रील ओपन हो जाएगी। आपको नीचे यूज टेम्पलेट जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और अपनी गैलरी में से महादेव के फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जिनकी भी आप ये रील बनाना चाहते हो। तो चलिए मैं फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपकी रील बन चुकी है, जो देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही है। अब आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना लग जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में ये वाली रील बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख गए होगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको एक और ट्रेंडिंग वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।